अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम मैम अस्सलाम। ज्वाइन करती हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अगर तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर वालेकुम। माफ कीजिएगा, मेरा असल में लाइट नहीं था सुबह से, तो अभी मैंने जनरेटर चला के मैंने कहा कि अभी क्लास को करना है। और मैंने कल मैम से भी कहा था कि मैं क्लास आज लूँगा, तो हाँ अनफॉर्चुनेटली जी सर, थैंक यू। ये सर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये फोग की वजह से काफ़ी लाइट का इशू है। इधर 3 4 दिन हुए हैं, तो बस ये सर इस वजह से थोड़ा वो डिले हो रहे हैं, बाकी कोई मसला नहीं है क्लास लेने का। ठीक है, तो सर सर ठीक है, तो बस मैं इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करता हूँ। लेट मी ओपन माय शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन सबको विजिबल है? जी सर, विजिबल है। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन का। तो ये लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग में तो वैसे काफी मॉडल्स होते हैं। लीनियर रिग्रेशन हो गया, डिसीशन ट्री हो गई, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है मशीन लर्निंग में वो है लिनियर रिग्रेशन। तो लिनियर रिग्रेशन हमारे पास एक स्टेटिकल मेथड होता है, जो मतलब रिलेशनशिप हमारे पास होता है, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेटा के हिसाब से, ठीक है।
तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे अपने इस क्लास में, ठीक है। तो लिनियर रिग्रेशन में हमारे पास लिनियर रिग्रेशन में अगर आप देखें तो लिनियर रिग्रेशन में ये एक स्टैटिकल टेक्निक होती है जो क्या कहलाती है कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज होती हैं उनका ये आपस में जो उस पे डेटा होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये आपको मैं करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे एक डेटा है और ये वाई एक्सिस पे डेटा है, ठीक है। तो इसमें जो भी ये हमारा एक्स एक्सिस जो कहलाता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और वाई एक्सिस हमारे पास जो कहलाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी डेटा पॉइंट्स होते हैं इसमें हम इसका रिलेशनशिप के लिए हम ये मॉडल अप्लाई करते हैं लिनियर रिग्रेशन का मशीन लर्निंग में, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये स्टेटिकल टेक्निक होती है, डेट मॉडल्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और वाई एक्सिस पे हमारे क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। तो उसमें ये जो रिग्रेशन मॉडल होता है ये हमारे पास जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यूज होती हैं उसका हमारे पास क्या करता है, उस वैल्यूज का रिलेशनशिप बताता है और उसके उसमें जो भी डेटा की कोई मतलब आप समझ लें, अगर रियल वर्ल्ड यूज केस में हम देख लें, रियल लाइफ में हम देख लें कि जिस तरह वेदर फोरकास्ट हो गया, ठीक है, या प्रिडिक्शन हो गई कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी टेक्निक्स जो होती है स्टेटिक्स की होती है, लेकिन इसके मॉडल्स होते हैं, ठीक है, कि इस डेटा को हमने मतलब किस तरह शेप करना है। तो आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि जो लिनियर रिग्रेशन होता है वो हमारा बिल्कुल एक लाइन होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है और टू डायमेंशनल होता है, मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा एक इंडिपेंडेंट डेटा होगा और वाई एक्सिस पे हमारा डिपेंडेंट डेटा होगा। तो और बीच में उसके ओरिजिन से जीरो से ये एक लाइन होती है सीधी, ठीक है, जो ऊपर अपवर्ड ट्रेंड इसका होता है, बिल्कुल लिनियर होती है। तो ये जो लिनियर रिग्रेशन होता है इसमें आपका पूरा डेटा ही होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसकी हमने जिस तरह मैंने आपको बताया कि लिनियर रिग्रेशन में हमारे पास मल्टीपल लिनियर रिग्रेशंस भी होती हैं, ठीक है, मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वैसे ही होंगे और मतलब मल्टीपल होंगे। अगर उसमें बिलफर्ज से एक्स की वैल्यू 1 है तो उधर 0 1 इस तरह करके होगी, मल्टीपल चीजें होंगी, ठीक है, मतलब एक्स भी होगी और एक्स के साथ डबल वैल्यूज होंगी, ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन में। और उसके बाद इसका कह रहा है एक्सपेंडेड मॉडल अपॉर्चुनिटीज, दिस टेक्निक्स अलाउ अस टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट। तो एक्सपेंड मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज में क्या है कि एक टेक्निक है जो हमें अलाउ करती है के एनालाइज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है जो हमारे मॉडल्स होते हैं मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन के, उसका हमें ये एक मॉडल मतलब ये टेक्निक हमें अलाउ करती है कि आप इसका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देखें अकॉर्डिंग टू देयर डेटा, जो भी हमारे डेटा होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। और उसमें तीसरे पे हमारे पास ऑप्टिमाइजिंग मॉडल आता है, ठीक है, कहता है कि वी सिलेक्ट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड एस्टिमेट देयर कोफिशिएंट टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शन एंड गेन वेल्यूएबल इनसाइट्स। कहता है कि हम जो भी हमारा लिनियर रिग्रेशन हो गया या मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन हो गया उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो डेटा होता है डेटा हम एक सही तरीके से उठाते हैं, ठीक है, कुछ डेटा क्योंकि मशीन लर्निंग में कुछ आपके पास जब आप बड़े बड़े डेटा सेट्स पे आप काम करेंगे तो आपके पास उसमें ऐसा डेटा आएगा जो मतलब होता तो मल्टीपल रॉ डेटा होता है आपका, टेक्सचुअल फॉर्म डेटा होगा या इमेजेस फॉर्म में डेटा होगा तो उसमें कुछ डेटा मिसिंग होता है, ठीक है, उसमें कुछ आउटलाइट्स होते हैं तो उस डेटा पॉइंट्स को आपने क्लीन करना होता है, क्लीनिंग डेटा प्रोसेस प्री प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो उसमें उस डेटा को हमने क्लीन करना होता है, तो उस पर हम डेटा क्लीनिंग का वो मॉडल लगाते हैं ताकि हम जो भी उसमें
आउटलायर्स वगैरह हैं डेटा के, जो मिसिंग वैल्यूज हैं उसको हम एक बेस्ट मॉडल बना सकें। ठीक है, तो उसमें आपके पास ये तीन चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये कंक्लूजन है इसका लीनियर रिग्रेशन का, कि लीनियर रिग्रेशन पावरफुल टूल टू मॉडलिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड मेकिंग प्रिडिक्शन। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होती है, मैं आपको इस तरह अगर ड्रा करके दिखाऊं, ये स्क्रीन मेरी विजिबल है आप सबको? जी जी विजिबल है सर। ठीक है, ठीक है, जिस तरह अगर मैं एक ये बनाऊं, ये स्क्रीन विजिबल है ना आपको जिसमें मैं ये ड्रा कर रहा हूं कुछ? नहीं सर, वो वाली स्क्रीन अभी विजिबल नहीं हो रही है, अभी अच्छा कंक्लूजन ठीक है, वाली ठीक विजिबल है। ठीक है, मैं ये फिर से विजिबल आपको शेयर कर रहा हूँ, अभी विजिबल होगी। ठीक जी हाँ, है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इस तरह का ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो इस पे ये जो हमारी साइड है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि भाई इंडिपेंडेंट लिनियर रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सी एक्सिस होती है, ठीक है, तो आप उनको यही कहिएगा कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उस पे क्या होता है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो इधर आपके पास क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, मतलब इस पे आपका एक्स एक्सिस पे कोई डेटा ही होगा। ठीक है, वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो या वेरिएबल्स के फॉर्म में हो। ठीक है, वेरिएबल्स करके इस तरह ए बी सी, ठीक है, इस तरह करके, तो इधर आपकी एक पूरी लाइन्स होती है। ठीक है, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन होती है आपकी, जो क्या करती है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज होती है, बिलफर्ज इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, 5 है, इस तरह अप सो जो भी, तो ये क्या करती है कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज होती है 1 से लेके 6 तक, और वाई एक्सिस पे 1 से लेके 6 तक, तो जो हमारे पास लिनियर रिग्रेशन होता है वो असल में उसका रिलेशनशिप होता है दोनों डेटा का, डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, अभी हम उसको इसका कोड करके भी देखेंगे कि ये किस तरह होगा। तो अभी जस्ट आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि जो हमारा लिनियर रिग्रेशन होता है, लिनियर रिग्रेशन में बेसिकली हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उसमें हमारे पास कुछ डेटा होता है। ठीक है, कुछ डेटा एक्स एक्सिस पे होता है और वाई एक्सिस पे होता है। जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक? किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो काइंडली आस्क मी, आप स्टॉप कर सकते हैं मुझे और आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो आप किसी का। बाकी अभी हम इसके कोड की तरफ चलेंगे तो कोड में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये जिस तरह मैंने आपको ये ड्रा करके दिखाया इसका। ठीक है, ये मैंने आपको ड्रा करके दिखाया, तो ये हम पूरा जब कोड करेंगे इसका, ये मैंने कोड इधर किया भी हुआ है, तो अगर ये आपको स्क्रीन विजिबल हो। ठीक है, तो इसमें देखें जिस तरह ये स्क्रीन विजिबल है मेरी कोड वाली। ठीक यस सर। है, तो इसमें जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि इधर ड्रा करके दिखाया कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और बीच में से एक लिनियर लाइन होती है। ठीक है, तो उस लिनियर लाइन में जो भी डेटा आपस में इस लाइन के इर्द गिर्द होता है, सराउंडिंग में होता है, तो ये क्या करती है लिनियर रिग्रेशन, क्या करता है कि आपको उसका
रिलेशनशिप बताता है कि भाई ये जो डेटा है इसके सराउंडिंग में ये आया डिपेंडेंट वेरिएबल का है या ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास ये पूरा मतलब एक लिनियर रिग्रेशन का हमारे पास मॉडल है, जिसको हमने मेटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करके ये हमने ड्रा किया है, ठीक है। तो इसका जिस तरह अगर मैं अभी आपको ये कोड का भी दिखा दूं, तो कोड में हमने क्या किया है कि कोड में ये है कि हमारे पास है, अच्छा पहले मैं इसका और आपको ओवरव्यू दे दूं, एक मिनट में। ठीक है, तो लिनियर रिग्रेशन में जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो इसी तरह अभी कोड का हम समझ लेते हैं कि कोड में ये क्या हो रहा है। अभी कोड का आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया लिनियर रिग्रेशन इज द स्टेटिकल मेथड यूज्ड टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इन सिंपल लिनियर रिग्रेशन देर इज ऑनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कहता है कि सिंपल लिनियर रिग्रेशन होता है उसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वाइल इन मल्टीपल रिग्रेशन देर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जो मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन होता है उसमें क्या होगा, इसका मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग लाइन डेट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जो मैंने आपको ये लाइन दिखाई, ठीक है, इस लाइन में क्या था कि ये आपको मतलब एक बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है, जो मतलब आपके ओरिजिन से ये इधर से स्टार्ट हो रही है और ये बिल्कुल आपके इस तरह अपवर्ड जा रही है, ठीक है। तो इसी तरह ये इस तरह कह रहा है कि जो बेस्ट आइडिया इज टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग लाइन डेट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। ये क्या लाइन कर रही है, ये लाइन मतलब हमारा वेरिएबल्स को वो कर रही है, मतलब उसका रिलेशनशिप हमें बता रही है। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, ठीक है। इस लाइन की हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन उसने बताई है, वाई इज इक्वल टू β5 + β1x + 5, ठीक है। तो इसका उसने बताया है कि वेयर वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें जो इस इक्वेशन में जो वाई है वो क्या है हमारे पास, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो वाई एक्सिस पे है, और एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस इक्वेशन में हमारे पास है, ये लिनियर रिग्रेशन का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका इसने बताया कि वाई क्या है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमारे पास है, इसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कोई भी फंक्शन होता है उसका वाई अगर हम वो करें तो उसका क्या होता है, मतलब आउटपुट ही होता है, ठीक है। और एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो एक्स है ये क्या कह रहा है कि एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और B5 इज द वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। B5 इसमें क्या है कि ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, मतलब अगर आप एक इस तरह आप कर लें, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट इस तरह आप कर लें तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट होगा इस तरह, ठीक है। तो ये कह रहा है कि B5 इज अ वाई इंटरसेप्ट एंड B1 इज द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। जो ये लाइन है, ये लाइन है, ये इसका B1 क्या कह रहा है कि ये इसका स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन का भी एक इक्वेशन होती है, MX + C करके इस तरह होती है, ठीक है। तो B1 उसको ये वो करती है, शो करती है, और Y इज अ एरर टर्म, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये क्या मतलब आपकी, ये इस पूरे इसका लिनियर रिग्रेशन का आपके पास एक रिलेशनशिप वो करती है, ठीक है। उसके बाद हम हमारा क्या है कि इसका कोड आ जाता है, कि पहले हम क्या करेंगे कोड में, कि हम इसकी जो नेसेसरी लाइब्रेरीज होंगी, ठीक है, वो हम इंपोर्ट करेंगे, जिसमें नंपाई आता है, ठीक है। नंपाई अभी तक किस किस ने पढ़ा है, कैन एनी वन टेल मी अबाउट नंपाई, नंपाई क्या चीज होती है? जी जी मैम, सर, हमने नंपाई का रिसेंटली सेशन जो है वो किया है, लेकिन जी नंपाई जी जो है कि पाइथन की लाइब्रेरी है जो जी न्यूमेरिकल
जो है न्यूमेरिकल पाइथन जिसका जिसकी मीनिंग होती है, और वो नंबर्स पे डिपेंडेंट होती है, तो उस पे काम करती है। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। नंपाई में हमारे पास एक पाइथन की लाइब्रेरी है, और ये हम मोस्टली जो भी हमारे पास मैट्रिक्स वगैरह होते हैं या हमारे पास डेटा वगैरह होता है, ठीक है, उसके साथ हम नंपाई यूज करते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये लाइब्रेरी हमारी पूरी मशीन लर्निंग में यूज होती है। जब हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होगा जो मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, उसमें मैट्रिसेस वगैरह होंगे, तो ये नंपाई लाइब्रेरी उन चीजों को ये हैंडल करती है, ठीक है। और उसके बाद है मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी। ये मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी का पता है किसी को, या जस्ट अभी आपने सिर्फ नंपाई यूज किया है? सर मैटप्लोटलिब आई थिंक विजुअलाइजेशन और ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए। जी एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी हमारी क्या होती है कि जो हमारे पास है, जिस तरह अभी मैंने ये आपको एक ये मैंने कोड इसका लिखा, ठीक है, इसका कोड इसने मुझे क्या कर दिया, एक ये मुझे इसका आउटपुट दे दिया, जिसमें उसने बताया कि ये इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारे पास है, और ये इसका वाई वाई है, जिसको हम कह रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमने इसमें बेसिकली जो मैटप्लोट्लिब की लाइब्रेरी यूज की, ये इसलिए यूज की कि इसका हमें एक तो रिलेशनशिप भी बताए, और हमें ये पूरी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो आपस में रिलेशनशिप है वो भी हमें ड्रा करके दिखाए, हमें विजुअलाइज करके दिखाए कि भाई जो लिनियर रिग्रेशन है वो क्या चीज है, ठीक है। एक तो हम समझ तो गए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो समझ गए, उसकी लाइन भी समझ गए, उसकी अंदर जो डेटा है वो भी समझ गए, लेकिन हमें पता किस तरह चलेगा कि लिनियर रिग्रेशन होता क्या है? तो ये हमारे पास मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी हमारे पास है। हम कोई भी अगर किसी भी डेटा को जब हम क्या करते हैं, व्यूलाइज करते हैं, तो हम उसके लिए हम इम्पोर्ट मेट प्लॉट पाई प्लॉट SPLT यूज करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास और दूसरी लाइब्रेरीज भी होती हैं, जिसको हम सीबोन वगैरह में यूज करते हैं, एक दूसरी भी लाइब्रेरी है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे, जो सीबोन लाइब्रेरी कहलाती है, ठीक है। वो हम आगे इंशाल्लाह जो अपकमिंग हमारे सेशंस होंगे तो इंशाल्लाह हम उसी में ये सारी चीजें करेंगे। अभी आपको हो सकता है कुछ बोरिंग चीजें लग रही हो, लेकिन ये इंशाल्लाह आगे ये आपके जिस तरह मतलब बेसिक चीजें आगे होती जाएंगी, कवर होती जाएंगी, तो हम एडवांस चीजों पे आस्ता आस्ता मूव होंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा इन चीजों में। हम जब इमेज प्रोसेसिंग करेंगे, कंप्यूटर विजन हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको सबको मजा आएगा, ये इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी बेसिक्स जब मतलब स्ट्रांग हो जाएं, जब आपकी बेसिक्स सही हो जाएंगी तो फिर आपको हर चीज समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, SKLearn लिनियर रिग्रेशन मॉडल को हमने इम्पोर्ट किया, ठीक है। हम क्योंकि हम लिनियर रिग्रेशन को हम रिलेशनशिप वो कर रहे हैं, तो हम हमारे पास SKLearn एक लाइब्रेरी होती है मशीन लर्निंग की, ठीक है, जो हमारे पास है, ये जो भी हमारे पास है इसके साइकार्ट लर्न, हम इसको एक लाइब्रेरी होती है मशीन लर्निंग की, ठीक है, जो भी हमारे पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं, लिनियर रिग्रेशन हो गया, मल्टीपल रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ये हम आस्ता आस्ता अपकमिंग हमारे अपने सेशंस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये लाइन क्या कहती है, उस जो हमारे पास लेनियर रिग्रेशन होता है ये उसको इम्पोर्ट करवाती है, ठीक है। मतलब आपको मशीन लर्निंग में हम जिस तरह C++ का कोड लेते हैं कि आपको पूरी एक कोड खुद से लिखना पड़ता है, कोई भी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, चाहे वो आपका लीट कोड का हो या चाहे आपका कोई C++ का कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, उसमें क्या करते हैं कि आपको मतलब लाइब्रेरी से खुद से इंपोर्ट करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में आपको इनकी पूरी लाइब्रेरीज मिलती हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरीज, उनके फंक्शंस आपको खुद से नहीं लिखने पड़ते, ठीक है। इसमें जस्ट आपने लाइब्रेरीज जैसे इंपोर्ट करेंगे, आपके पास पूरी चीजें बिल्ट इन आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये 3 4 5 हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, उसके बाद ट्रेन और टेस्ट है स्प्लिट, जो हमारे जो डेटा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे,
ये क्या करेगा, उस मॉडल को ट्रेन और टेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद एसकेएलएन मैट्रिक्स से जो भी इसमें मैट्रिक्स वगैरह यूज किए गए हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू जो उसकी होगी, ये उसको वो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन चार पांच लाइब्रेरीज हैं, पांच लाइब्रेरीज हैं जो क्या करेगा कि उन मॉडल्स को, पहले हमारे पास नंपाई लाइब्रेरी हमने इम्पोर्ट की, फिर मेटप्लोटलिब यूज की, उसके बाद लिनियर रिग्रेशन को हमने इम्पोर्ट किया, ठीक है। ये उस मॉडल को वहां से इम्पोर्ट करेगा, ठीक है, और एसकेएलएन से मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट को भी इम्पोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम अभी हम देखते हैं अपने इस कोड को, ठीक है। तो कोड को अगर हम देखें तो उसमें जिस तरह मैं आपको बताया कि इम्पोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं, नंपाई हो गया, मेटप्लोटलिब हो गया, एसकेएलएन लिनियर मॉडल रिग्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रेन और टेस्ट हो गया, ठीक है, जो हमारे डेटा को ट्रेन और टेस्ट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा फंक्शन है जिसमें ये जनरेट सम रेंडम डेटा फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब ये हमारे पास एनपी डॉट रेंडम डॉट सीड, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन क्या कर रहा है कि ये हमारे पास एक रेंडम डेटा डेमोन्स्ट्रेट करके देगा। तो उसमें जो एक्स एक्स का, अगर हम एक्स इज इक्वल टू उसने किया है, इसको टू को उसने मल्टीप्लाई किया है, जो हमारा ये वाला फंक्शन है रेंडम डेटा वाला है। क्योंकि इसमें आप देखें कि ये इसने कमेंट करके ये कहा है कि जनरेट सम रेंडम डेटा फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। तो एक्स और वाई वाई का हम क्या करेंगे, हम एक रेंडम डेटा हम जनरेट करेंगे। तो उसका ये फार्मूला उसने यूज किया है एनपी डॉट रेंडम, ये इसने फंक्शन को कॉल करके उसने एक्स और वाई का डेटा क्या किया है, एक रेंडम डेटा निकाला है, ठीक है। तो उसने टू मल्टीप्लाई एनपी डॉट रेंडम डॉट रेंड किया है, ठीक है, उसमें इसकी वैल्यूज दी है, ठीक है, ये एक्स और वाई, ठीक है, इस तरह करके इसने एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज निकाली है। उसके बाद इसने ये क्या किया है कि स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। जी सर ये मुझे सीड के बारे में थोड़ा सा अगर गाइड कर दें, ये जो जी फंक्शन है सीड वाला। जी सर, ये असल में सीड फंक्शन होता है कि हमारे पास, जब हमारे पास कोई भी डेटा आ जाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में, तो जिस तरह आपके पास ये डेटा है इस तरह, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, ठीक है। तो हमने इसमें, हम अपनी तरफ से तो ये देखें, जिस तरह ये ओरिजिन से डेटा शुरू हो रहा है 0 से और 1.75 तक, अगर हम इस तरह डेटा मतलब इधर ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर फिर हमने ये डेटा मतलब क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। तो इसने क्या किया है, एनपी डॉट रेंडम डॉट सीड को इसने क्या किया है कि ये फंक्शन कॉल करके उसने मतलब एक रेंडम डेटा जनरेट किया है, कि मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो डेटा है, उसने ये एनपी डॉट रेंडम डॉट सीड को ये फंक्शन कॉल करके, ये हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है, एनपी डॉट रेंडम नंपाई डॉट रेंडम डॉट सीड, ठीक है। तो उसने सीड किया है उस डेटा को जो हमारे पास सर मुझे एक्सिस और, इसका आइडिया है कि ये रैंडम नंबर जनरेट करने के, लेकिन जो सीड के अंदर हमने 42 वैल्यू दी है, इसका थोड़ा सा मुझे ना डिटेल समझ नहीं आती। पहले भी मैंने एक दो दफा थोड़ा स्टडी किया, लेकिन एग्जैक्ट मुझे इसकी ना डिटेल समझ नहीं आई, इस वजह से मैंने पूछा। फॉर एग्जाम्पल आपने 42 इसमें लिखा है, तो हम 40 भी तो लिख जी सकते थे, कोई और हाँ नंबर सर, तो लिख सकते थे। फोर्टी भी लिख सकते हैं, वो मसला नहीं है। 40 लिखेंगे तो आपका ऑब्वियसली आपका जो डेटा होगा वो कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी डेटा पे ही होता है, अगर आप इधर 40 लिख लें या 45 लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क जो पड़ेगा वो आपके डेटा पे पड़ेगा, कि आपका डेटा मतलब जिस तरह इसने कहा है कि रेंडम डेटा फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, ये जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं सीट का, ये बेसिकली हमारे पास क्या करेगा, जो एक्स एक्सिस और हमारे वाई एक्सिस पे डेटा है, ये बेसिकली उसको वो करके देगा हमें, मतलब कॉल करके देगा, ठीक है, ये जनरेट करके देगा जिस तरह ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो इधर ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 42 कर लें या आप मतलब आप वो कर लें। और इधर भी आपके पास ये देखे ना आ रहा है आपके पास, कि इसकी ये आपके पास है, वो आ रही है एनपी डॉट रेंडम डॉट, अगर इस पे आप वो कर्सर आप क्लिक करके करेंगे तो
ये कह रहा है कि बिल्ट इन मेथड रेंड ऑफ नंपाई रेंडम एम्प्टी रेंडम स्टेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपके पास रेंडम स्टेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इधर इधर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 42 कर लें या 45 कर लें या 49 कर लें, इट्स ऑल अप टू यू सर, ठीक है। तो ओके ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि क्योंकि देखें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये क्या है, ये डेटा हंगरी कहलाते हैं, मतलब आपका जितना अच्छा डेटा होगा तो आपका जो मशीन लर्निंग का मॉडल होगा वो उतना अच्छा मतलब आपको रिजल्ट देगा, जो इसकी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जो भी एल्गोरिदम्स हैं वो जितना मतलब आपका जितना अच्छा डेटा होगा उसी के बेस पे आपका जो उसका रिजल्ट होगा उसी के बेस पे आपका आएगा, जितना आपका अच्छा डेटा होगा उसमें ना कोई आउटलायर्स होंगे ना उसमें कोई मतलब इस तरह का डेटा होगा मतलब जिसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हो, तो क्योंकि देखें हम ये मॉडल्स इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमें एक अच्छा सा हमें आउटपुट रिजल्ट मिले, ठीक है, तो इसलिए हम ये मशीन लर्निंग और क्योंकि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आपकी प्रिडिक्शन भी करती हैं, ठीक है, और उसमें आपकी मतलब फॉरकास्टिंग जिस तरह हो गई और उसमें हम डिफरेंट चीजें करते हैं जिस तरह आपके पास इमेज प्रोसेसिंग हो गई, क्योंकि ये सारी जो भी चीजें हैं मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन ये आपके पूरे डेटा पे होता है, जितना आपका अच्छा डेटा होगा उतने आपका जो मॉडल का रिजल्ट होगा वो अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। ओके ओके तो उसके बाद इसने क्या किया है कि उस डेटा को इसने स्प्लिट किया है, एक स्ट्रेन किया है और एक टेस्ट किया है। जब हम मशीन लर्निंग पे हम काम करते हैं तो हमने जो भी हमारे पास डेटा होता है पहले हम मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ मशीन लर्निंग के, बेसिकली मशीन लर्निंग में हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कि पहले आप क्या करते हैं कि डेटा गेदर करते हैं, ठीक है, डेटा गैदर करके फिर उस डेटा को आप क्लीन करते हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई आउटलायर्स हैं या उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज हैं आप उसको क्या करते हैं उसको क्लीन करते हैं, एक एफिशिएंट डेटा सेट उसको बनाते हैं, बिलफर्स आपके पास डेटा सेट कहीं केगल से मिल गया या किसी और वेबसाइट से मिल गया और उसमें आपके पास 100 ऑफ टेबल्स हैं, ठीक है, कॉलम्स उसमें 100 कॉलम्स हैं 100 रोज हैं, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा डेटा है जो मिसिंग है, ठीक है, तो आप उसको स्प्रेड तो नहीं कर पाएंगे ना सही तरीके से, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कुछ जो टेक्निक्स होती हैं फंक्शंस होते हैं हम उनको यूज करते हैं, उसको यूज करके हम उस डेटा में से हम क्या करते हैं कि जो भी उसकी मिसिंग वैल्यूज होती है हम उसको क्लीन करते हैं, ठीक है, क्लीन करके हम उसमें से उस डेटा को कुछ एफिशिएंट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उस पे अपना जो भी ये मॉडल्स हैं लेने रिग्रेशन हो गया मल्टीपल रिग्रेशन हो गया डिसीजन ट्री हो गया तो ये हम मॉडल उस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसने क्या किया है इस फंक्शन में स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट, ठीक है, जो एक्स एंड वाई का जो डेटा है उसने इसको स्प्लिट किया है, ठीक है, ट्रेन एक्स ट्रेन करके और एक्स टेस्ट फिर वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक है, ये करके इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है, ठीक है, एक्स एंड वाई के टेस्ट साइज को, उसके बाद इसने क्या किया है क्रिएट ए लिनियर रिग्रेशन मॉडल, उसने क्या किया है कि इस पूरे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके रेंडम डेटा जनरेट करके ट्रेन और टेस्ट डेटा को स्प्लिट करके, ठीक है, उसने एक लिनियर रिग्रेशन मॉडल क्रिएट किया है, ठीक है, मतलब ये इसका फंक्शन है मॉडल इज इक्वल टू लिनियर रिग्रेशन, अगर इधर बिल्कुल मल्टीपल रिग्रेशन होता तो मैं इधर क्या करता मल्टीपल, ठीक है, मैं इधर मल्टीपल रिग्रेशन करता, लेकिन अभी हमारे पास क्या है हमारे पास लिनियर रिग्रेशन है तो मैं इधर इसने क्या किया है मल्टी लिनियर रिग्रेशन यूज किया है, ठीक है, तो इसने क्रिएट लिनियर रिग्रेशन मॉडल जो क्या करेगा जो मॉडल क्या करेगा ट्रेन द मॉडल, जो हमने जो ये लिनियर रिग्रेशन मॉडल क्या करेगा इसी मॉडल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करेगा ट्रेन करेगा, ठीक है, ट्रेन करके एक्स ट्रेन करेगा और वाई ट्रेन करेगा, ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर आप इधर कर्सर ये लगाएंगे तो आपको ये आपको इसका बताएगा कि इसने इसको क्या किया है मॉडल को ट्रेन किया है एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन,
अगर आप इधर ये इस तरह व्यू करके भी देखेंगे तो आपके पास इसका वो आएगा, ठीक है, पूरा डेटा आएगा। उसके बाद इसने मेक प्रिडिक्शन की है, मतलब जो हमारे पास है, जो हमने लिनियर रिग्रेशन मॉडल लगाया, अप्लाई किया, उस पे इसने प्रिडिक्शन की है टेस्ट सेट पे, ठीक है। वाई प्रिडिक्शन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, जो हमारे पास एक्स पे डेटा है उसने इसको वाई के क्रॉस, मतलब इसने प्रिडिक्ट किया है जो भी इसकी वैल्यूज है। उसके बाद हमने ये जो व्यूलाइज द डेटा इन लिनियर रिग्रेशन लाइन, ठीक है, इसने क्या किया है कि डेटा को इसने क्या किया है, व्यूलाइज किया है और एक लिनियर रिग्रेशन लाइन इसने ड्रा करके दी है। तो उसके बाद इसने प्लॉट डॉट स्केटर ये फंक्शन कॉल किया है, जिसमें एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट और कलर ब्लैक, और इसमें जो उस डेटा का कलर है, जो ये आपके पास डॉटेड ये आ रहे हैं, ये क्या है इसका, ये ब्लैक किया है, ठीक है, कलर। तो इसको आप अगर कोई और ब्लू भी कर सकते हैं, कोई और कलर भी कर सकते हैं, या रेड भी कर सकते हैं, ये आप पे है, ठीक है। तो इस तरह अभी उसके बाद इसने PLT डॉट प्लॉट, ठीक है, ये स्केटर्स हैं जो आपके पास, ये डॉटेड हैं, ठीक है, डॉटेड जो आपके पास वैल्यूज हैं, ये आपके पास है क्या है, स्केटर है, स्केटर प्लॉट है, ठीक है। उसके बाद इसने PLT डॉट प्लॉट ये फंक्शन कॉल किया है, एक्स टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन, ठीक है, एक्स एक्स पे जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसको टेस्ट कर रहा है, और वाई के क्रॉस ये प्रिडिक्ट कर रहा है, और उसकी जो कलर्स हैं वो ब्लू है, ठीक है, ये आपके पास ये लाइन आ रही है, ये इसने इधर ये वो किया है, इनिशलाइज किया है, ठीक है। और इसकी लाइन की जो विड्थ इसने रखी है, लाइन विड्थ इज इक्वल टू 3, इधर आप 5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप पे। तो सर ये आपको सबको ये है कि इन कोड्स पे आपको, मतलब वो नहीं, आपको इस पे डेटा के साथ खेलना है, ठीक है। आप इसमें जितना आप इस पे अच्छा हैंड जोन करेंगे, ठीक है, आप पहले मतलब पूरे डेटा को समझेंगे, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से फंक्शन चूज किए गए हैं, किस तरह इसमें मतलब ये इनिशलाइज किए गए वेरिएबल्स वगैरह, एक्स एस के क्रॉस, वाई टेस्ट के क्रॉस, तो इसी तरह आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये प्लॉट डॉट एक्स लेबल किया है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास किस उस पे होता है, एक्स एक्सिस किस पे होता है, ये कोई बताएगा मुझे, एक्स एक्सिस ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो किस पे होता है, सर एक्स एक्सिस नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल किस एक्सिस पे होता है मेरा, सर डिपेंडेंट जी वाई जी ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास इसने प्लॉट किया है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो उसने प्लॉट किया है, ये असल में प्लॉट इधर हो गया है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर आप इधर बिलफर्स में इधर कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये जस्ट मुझे इंडिपेंडेंट दिखाए, वेरिएबल ना दिखाए, ठीक है, और इधर ये डिपेंडेंट दिखाए, तो इधर से आप अगर इसको थोड़ा एडिट करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, ये वेरिएबल को हटा देगा और जस्ट आपको इंडिपेंडेंट दिखाएगा, और इधर से भी वेरिएबल को हटा के ये डिपेंडेंट कर देगा, ठीक है। और ये इसके बाद इसने टाइटल लिखा है, प्लॉट PLT डॉट टाइटल, ये फंक्शन उसने कॉल किया है, लिनियर रिग्रेशन एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपके पास इधर इसका लिनियर रिग्रेशन एग्जाम्पल का ये उसने इसको आपको बताया है कि ये जो पूरा ग्राफ है किस चीज का है, ठीक है, तो ये इसने प्लॉट किया है लिनियर रिग्रेशन एग्जाम्पल। उसके बाद इस प्लॉट को उसने शो करवाया है, PLT डॉट शो, ये फंक्शन उसने कॉल किया है, ठीक है। उसके बाद इसने जो मॉडल है इसको एवेल्युएट किया है मीन स्क्वायर एरर से, ठीक है। तो उसके बाद ये वैसे मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा इसका जो कोड वगैरह ठीक है। पहले ये क्या थी, ये इधर जो इसके स्केटर प्लॉट्स था, ये आपको अभी थोड़ा अंदाजा होगा कि मैंने इसको चेंज किया तो ये रेड हो गई, पहले इधर क्या था, जी कोई बताएगा,
था सर। पहले मेरे पास स्केटर्स जो डेटा था वो क्या था, किस फॉर्म में था, मतलब उसका कलर कौन सा था? ब्लैक सर, ब्लैक। जी ब्लैक था बिल्कुल। तो उसको मैंने जब चेंज किया तो उसने क्या किया, इसको रेड कर दिया, ठीक है। और आपको इस लाइन में भी कुछ फर्क आया होगा, जिस तरह सर ने कहा कि सर ये सीट को अगर हम 42 है तो अगर 45 कर लें तो आपको इसमें फर्क महसूस हुआ होगा। ये इसने क्या किया है, इस लाइन को थोड़ा अपवर्ड कर दिया, ठीक है, मतलब इस वैल्यू से थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है। अगर आप 42 पे अगर हम फिर से कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें फर्क आएगा, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है कि आप इस डेटा को किस तरह वो करते हैं, मतलब ये व्यूलाइज आपको उस तरह करके देगा जिस तरह आप इस डेटा को और से खेलेंगे, ठीक है, आपको और चेंजिंग्स नजर आएंगी। अभी देखें ये बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जब हमने इसका सीट का वैल्यू 42 रखा तो इसने इधर से स्टार्ट किया, ठीक है। जब हमने इसका 45 किया तो इसने इधर से स्टार्ट किया, ठीक है। ये अभी आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। जी किसी को और को कोई क्वेश्चन वगैरह हो यू मे आस्क मी। ये समझ नहीं आया कि जो है ना 42 से किया है, तो 4 से, वहां पे तो वैल्यू 4 है, तो 4 पे जी रखा मैम है ना। देखें ना, देखें ये 42 पे हमारे पास क्या कर रहा है, 42 पे एक हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना के दे रहा है। ये आप अगर देखेंगे कि ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रही है और ये बिल्कुल हमारे अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड ट्रेंड की तरह जा रही है, लिनियर रिग्रेशन लाइन है। और ये इसके जो सराउंडिंग में है ये क्या है, इसके स्केटर्स हैं, स्केटर्स ये डेटा से डेटा डेटा स्केटर डेटा जो क्या कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है, ठीक है। ये मतलब जो लिनियर रिग्रेशन मॉडल होता है ये हमारे पास असल में जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो उसमें एक लाइन होती है, ये असल में उसका हमें डिफरेंस बताता है कि इसके एक्स और वाई के जो बीच में ये जो भी ये डेटा है वो इस लाइन को कितना टच कर रहे हैं, ठीक है, और ये इस लाइन के लिनियर रिग्रेशन मॉडल के कितना करीब है, ठीक है, कितना क्लोज है, ये असल में उसका डिफरेंस हमें बताती है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको सीट का 42 करके देखा, जिस तरह पहले बाय डिफॉल्ट 42 था, फिर सर ने किसी ने क्वेश्चन किया कि सर आप इसका 45 क्यों नहीं कर रहे और 42 ही किया, तो अगर हमने 45 करके देखा तो ये आपको डेटा कुछ ऊपर लाइन ऊपर करके आपको शो करेगा, ठीक है, ये इधर करके करेगा, ठीक है, क्योंकि ये 45 अगर किया तो इसका जो डेटा होगा वो इधर होगा 45 का, ठीक है। ये अगर 30 पे है 3, ठीक है, और ये 40 पे है तो 45 भी राउंड अबाउट इधर ही होगा, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अगर ये बिलफर्स में कहता हूँ ये 30 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 30 से ये 4 जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 40 को कर रहा है, फिर 40 से लेके ये इस तरह करके इसने हमें वो किया है, ठीक है। और देखें जब हमने इसको चेंज किया 45 किया तो नीचे वाली वैल्यूज भी क्या हो गई, चेंज हो गई, ये किसी ने नोट किया है? Yes, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो वैल्यूज है ना एक्स और वाई में, ये बाय जी डिफॉल्ट है या इनको हम अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं? मैम वैसे तो देखें वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, ये वैसे बाय डिफॉल्ट है, अगर आप इसको मतलब क्योंकि मशीन लर्निंग है ही पूरा डेटा डेटा पे डिपेंड, तो अगर आप इसको और मतलब आप अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और इसके साथ डेटा को थोड़ा आप चेंज करके देखें ट्राई करें तो आपको और इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई अगर मैं इसकी वैल्यू 60 कर देती हूँ तो ये मेरा जो ये जो लिनियर जो मेरी लाइन है वो कहाँ पर ये लाई करती है, अगर वो लिनियर नहीं है वो मतलब यू स्ट्रेट हो रही है, ठीक है, या कुछ और इसका लाइन का बस हो रहा है
रिप्रेजेंटेशन में कोई मसला हो रहा है तो आपको और समझ आ जाएगी। क्योंकि लिनियर में क्या होता है, लिनियर रिग्रेशन में मॉडल में हमारे पास जो लाइन होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है, और उसमें क्या होता है कि उसका रिलेशनशिप होता है डेटा का, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, ठीक है। इसमें हमारे पास असल में डेटा का रिलेशनशिप होता है कि जो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स हैं और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास जो लाइन जो ड्रा की गई है ये असल में इन दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का हमारे पास क्या करती है, ये एक रिलेशनशिप हमें वो करती है, शो करती है कि इन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, बस ये शो करती है इसमें। बाकी ये मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा कोलैब की फाइल ग्रुप में, तो आप इनको इंशाल्लाह आप ट्राई करके देखिएगा अपने एंड पे, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मैम अनम से भी आप पूछ सकती हैं, मुझसे भी पूछ सकती हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हम अभी तो आपके ये जस्ट बेसिक ही चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ों का आइडिया नहीं होगा तो आपको एडवांस चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि और मैम अन्नम की भी के पहले हम बेसिक आपकी पूरी कवर कर लें, उसके बाद हम एडवांस चीज़ों पे जाएंगे, ठीक है। जिस तरह न्यूरल नेटवर्क हैं हमारे पास और चीज़ें हैं, इस तरह हम आगे आगे जाएंगे, ठीक ओके सर, है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो आपने मॉडल इंपोर्ट किए हैं ये जी आर बाय डिफॉल्ट होंगे ऐसा कि आपने पहले के बनाए हुए मॉडल और फिर इधर आप इंपोर्ट कह रहे हैं? नहीं सर, असल में ये जो मॉडल है ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इस सेंस में है कि आपको स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। आपको स्ट्रेट लाइन अभी जिस तरह मैंने 45 की वैल्यू की, अगर मैं 42 कर रहा हूं तो क्या कर रहा है ये मुझे बेस्ट फिट मॉडल बना के दे रहा है, ये मुझे बेस्ट फिट मॉडल बना के दे रहा है। मतलब ये लाइन क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट मुझे लाइन बना के दे रहा है और ये एक बेस्ट फिट मॉडल कहलाता है। अगर आप इसको देखेंगे, अगर कोई भी इसको डेटा एनालिस्ट वगैरह भी देखेगा या मशीन लर्निंग एक्सपर्ट देखेगा, वो कहेगा कि भाई ये बेस्ट फिट मॉडल है, क्योंकि ये लिनियर अपनी लिनियरिटी शो कर रहा है, ठीक है। मतलब ये लिनियर है, ठीक है, इसमें कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है। और ये क्या शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का हमें रिलेशनशिप शो कर रहा है कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है इस लाइन के क्रॉस, इसका हमें क्या कर रहा है, जस्ट रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। अगर आप इसको सीट को अगर 45 करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपका डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कोड, ठीक है। अगर आप 42 या 40 पे भी करके देखते हैं तो 40 पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 40 पे अगर हमने किया तो 40 पे थोड़ा ये ऊपर हो गया, लेकिन है बिल्कुल ये स्ट्रेट ही, ठीक है। और उसके बाद आपको और भी फर्क ये नजर आया होगा कि जो इसके स्केटर्स ये डेटास हैं, ठीक है, ये स्केटर्स हैं, ये जो डॉटेड हैं रेड वाले, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ फर्क नजर आया, ठीक है, इसमें भी आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि ये पूरा जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं ये आपके पूरे डेटा डेटा पे वो रिलाई करते हैं। जितना आपका डेटा इस फॉर्म में होगा, एक अच्छे फॉर्म में होगा, उसी तरह आपका डेटा, मतलब ये जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं ये डेटा हंग्री कहलाते हैं, ये मतलब डेटा को क्या करते हैं, ये मतलब काफी वो होते हैं कि मतलब डेटा पर रिलाई करते हैं। जितना आपका डेटा होगा एक्यूरेट उतना ये मॉडल आपको अच्छा बना के देगा। अभी जिस तरह देखें डेटा के साथ मैंने थोड़ी चेंजिंग की तो उसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया और स्केटर्स को भी इसने वो कर दिया, चेंज कर दिया। और जब मैंने इसको 42 पे किया बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू थी, तो उसने क्या किया, इसका मुझे बेस्ट फिट करके दिया, मतलब इसने बेस्ट फिट मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके दी। जी सर, वो मुझे समझ आ गई है। मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि आपने मीन स्क्वेयर एरर और दूसरा लीनियर रिग्रेशन कहीं भी ये मॉडल डिफाइन नहीं किए ये कोड में, और आपने सिर्फ इंपोर्ट किए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपने
प्री डिफाइन बनाए हुए थे, या ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, या खुद बनाने पड़ते हैं, आपने पहले के बनाए हुए थे सिर्फ इधर इंपोर्ट किए हैं? नहीं, सर, ये असल में आपके पास जो आपका डेटा होगा ना, उस हिसाब से होगा। ये नहीं है कि मैं कहूँ कि ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इससे मतलब इस कोड के अकॉर्डिंगली इसने आपको बाय डिफॉल्ट बना के दिया, ठीक है। ये नहीं है, अगर मैं खुद अपना देखें, जब मेरे केयर पास एरर अपना अपना डेटा, आपने कहीं भी डिफाइन नहीं किया होगा ना, जी मीन्स सर, केयर एरर आपने कहीं भी कोड में डिफाइन, मीन्स केयर एरर आपने कहीं भी डिफाइन नहीं किया ना फंक्शन ये जी कोड में, जी बिल्कुल, वो किधर है जिधर आपने डिफाइन किया है सर कोड में आपने मीन्स केयर एरर वाला फंक्शन सर? सर ये है ना, देखें, ये है MSE, मीन स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। अभी ये देखें ना, इस पे इसने क्या किया है, ये पूरा जिस तरह हमने करके लास्ट में इसने प्लॉट शो किया, उसके बाद इस मॉडल को उसने एवेल्युएट भी किया है। अभी हमने ये सर MSE, ये हमारे पास, मैं आंसर करूं इसका सर। जी जी सर, आप करें ये जरा ऊपर कीजिएगा जहां आपने इम्पोर्ट किए हुए हैं ना। जी। ये है ना सर, हाँ ये देखे जी ना, ये एस के लर्न जो पाइथन की एक लाइब्रेरी है ना, उसमें बिल्कुल, ये मॉडल्स पहले से बने हुए हैं, इन्होंने बस उन मॉडल्स को इम्पोर्ट करके यूज किया है। अब देखें ये जो मीन स्क्वेयर्ड एरर फंक्शन है ना, ये पहले से एस के लर्न के डॉट मैट्रिक्स वाली फाइल में पहले से डिफाइंड है, तो इन्होंने बिल्कुल उन्हें ऐसे जस्ट ही, इम्पोर्ट करके तो उसको यूज किया। बिल्कुल सर ऐसे ही, ये बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर जिस तरह सर कह रहे थे ना कि सर इसको मैं, अगर मेरा अपना डेटा होगा तो आपको अपने डेटा के हिसाब से इसकी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है बाय डिफॉल्ट। ये पाइथन और मशीन लर्निंग के जो भी ये इन्होंने जो मॉडल्स बनाए हैं, ये मॉडल्स के हिसाब से इन्होंने बनाए हैं, बाय बाय डिफॉल्ट। जब बिलफर्ज आपके पास, आप किसी कंपनी में जाते हैं और आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है लिनियर, जिसमें लिनियर रिग्रेशन यूज हो रही है, बिलफर्ज आपके पास डेटा डेटा भी नहीं है, और आपको कंपनी कहती है कि आप केगल से भी ना उठाएं डेटा, आप अपना डेटा यूज करें, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप अपना डेटा सेट बनाएंगे, ठीक है, डेटा सेट बनाएंगे, उसकी पूरी टेबल्स बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इस लिनियर रिग्रेशन को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन को भी अप्लाई करने के लिए आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते आएंगे, उसके बाद सीड फंक्शंस को ऐड करेंगे, उसके बाद जब आपको पूरा एक एक्यूरेट रिजल्ट, जब तक आपको अनटिल अनलेस नहीं मिलता, तब तक आप उस मॉडल्स के साथ खेलते रहेंगे। ऐसा ही है सर, यस सर, ये बात समझ आ गई, लेकिन बिकॉज हम बिगिनर लेवल पे हैं तो जी हमें कहीं पे फंक्शन डिफाइन करना पड़ जाए, लाइक मीन स्क्वेयर एरर हो गया या इस तरह जी जी का लीनियर रिग्रेशन, किस तरह, हाँ क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है। मैं ये कहता हूँ एग्जैक्टली कि आप ये फंक्शन पहले कोड में डिफाइन करें कि हमें फंक्शन बनाने भी आने चाहिए, क्योंकि हम बिगिनर लेवल पर, आपने जस्ट इम्पोर्ट किए हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये आप कर रहे हैं गूगल कोलैब पे, क्या हम पाइथन या वीएस स्टूडियो पे जब जाकर यही कोड ऐसे ही हम कॉल करेंगे फ्रॉम एसक्यूएल मैट्रिक्स से, या जी उधर सर, हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा? नहीं सर, हम इसी तरह ही करेंगे। चाहे आपका पाइथन जुपिटर नोटबुक हो गया, या आप गूगल कोलैब यूज करें। गूगल कोलैब असल में इसलिए है कि एक तो ये फ्री है, और ना इसमें कोई आपके रिसोर्सेज यूज होते हैं, जस्ट आप क्लाउड पे गए, गूगल के क्लाउड पे गए, उधर आपको ये पूरा इंटरफेस देगा, ठीक है। जिस तरह जोपाइटर नोटबुक होता है, जोपाइटर नोटबुक में क्या होता है कि आप एनाकोंडा से आप उसको क्या करते हैं, आप इसको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से आप इसको चलाते हैं, फिर वो क्लाउड में एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, या आप इसको पाइचाम में भी यूज कर सकते हैं, वीएस कोड में भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट आईडीज ही है, ये डिफरेंट आईडीज है, ठीक है। या आप इसको जो है ना, डिफरेंट चीजें हैं, आप इसको केगल में भी चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आप बिगिनर लेवल के हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम कल से इंशाल्लाह ताला ये करेंगे कि हम, अभी तो मैंने जस्ट आपको कोड इंपोर्ट करके और आपको मैंने ये प्रेडिक्शंस करके दी, बाकी ये है कि कल हम इंशाल्लाह इसको क्या करेंगे। अगर आप कोई कहता है तो हम कल से जो हम अपकमिंग जो हमारे क्लासेस होंगी, उसमें हम एक एक कोड को बाकायदा शुरू से करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ताकि आप सबको फिर समझ भी आए।
ओके सर, और क्या ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जी अब ये इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहे होते हैं, तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है रिग्रेशन मॉडल में, या सिर्फ सिंपल लीनियर ही होगी हर बार, मतलब सर, एक ये स्ट्रेट आप लाइन दे रही होगी? सर देखें, ये जो लिनियर रिग्रेशन है ये आपकी लिनियरिटी शो करती है। मतलब आपके जो डेटा होगा ना वो आपके मतलब जो लिनियर रिग्रेशन मॉडल होगा वो हमेशा आपका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी डेटा होगा वो चाहे डेटा चेंज भी हो सकता है, कभी कोई किसी तरह का डेटा भी हो सकता है, लेकिन ये आपका फंक्शन बाय डिफॉल्ट यही होगा, जिस तरह मैंने आपको ये स्लाइड में भी दिखाया। ठीक है, इधर मैंने आपको दिखाया होगा। ठीक है, इसका ये जो इक्वेशन है ये इसकी यही इक्वेशन है। ठीक है, इसी इक्वेशन के बेस पे ये लिनियर रिग्रेशन ड्रा किया गया है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि आगे कुछ और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हों, लेकिन लिनियर रिग्रेशन में जितना मेरा मैंने स्टडी किया है तो इसमें आपके पास यही इक्वेशन होती है। तो आगे हो सकता है जो मल्टीपल रिग्रेशन हो उसमें कुछ चेंजिंग्स आ जाए। ठीक है, लेकिन लीनियर रिग्रेशन में आपका जस्ट एक्स और वाई एक्सिस की रिलेशनशिप को ये शो करता है। सर एक रिक्वेस्ट थी कि ये तो काफी हद तक समझ आ गया है, मतलब एक सिंपल सा जी कोडेड क्वेश्चन में जो है जी ना रैंडम वैल्यूज ली हुई है, लेकिन अगर ये जी हम अपनी ही डेटा या जो इसे के CSV है उस पे कर लेते जी एक प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। जी मैम, मैं इंशाल्लाह कल यही करूंगा कि CSV डेटा सेट हम कहीं से उठाएंगे, केगल से उठाएंगे, हम फिर उसी पे इंशाल्लाह इसको करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जजाकल्लाह। बस सर एक रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज ये जो फंक्शन होते हैं, ये एरर फंक्शन हो गया या जैसे रिग्रेशन फंक्शन है सर, इसको डिफाइन कर दिया करें ताकि हमें आगे चल के थोड़ी आसानी हो, कि जी जी फंक्शन जी किस तरह डिफाइन होते हैं क्या जरूर आगे कोई। जरूर जरूर सर, मैं इंशाल्लाह इनको करूंगा। और सर काइंडली आप अपना अपने रियल नेम से वो कर लें। ठीक है, ये टेस्ला क्योंकि ये एक प्रोफेशनल नहीं है सर, अगर आप सेशंस में भी आएंगे और इस तरह आप अपने अननोन नेम से आएंगे तो मतलब टीचर क्या एक्सपेक्ट मतलब वो करेगा, तो काइंडली आप जो है ना अपने रियल नेम यस से वो करें। ये सॉरी, क्योंकि ये मेरा बाय डिफॉल्ट आ गया, हारिस अच्छा नाम है मेरा, और अच्छा मैं कल से इंशाल्लाह वो जी यूज़ सर, आप करूंगा। इसको फिर वो कर दें और आप अपने रियल नेम से आए। बाकी ये कि कल हम इंशाल्लाह मैम अपने इससे स्टार्ट करेंगे और हम CSV डेटा डेटा के साथ हम अपना जो भी ये मॉडल्स वगैरह हैं इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, आज जस्ट मैंने आपको बस जस्ट ये बताना था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे जो भी इसका रिलेशनशिप है जस्ट मुझे आपको इसका ओवरव्यू देना था। बाकी कल हम जो कॉम्प्लेक्स डेटा है जिस तरह केगल से हम डेटा को उठाएंगे इसी तरह फिर हम कल उस पे काम करेंगे। ठीक है, जस्ट आज मुझे आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट देना था, बाकी हम जो CSV जिस तरह हम केगल से डेटा सेट उठा के इसको इंपोर्ट करते हैं फिर हम कल उस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है मैम, सेशन का टाइम भी एंड हो गया है, तो आपका किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, ये मॉडल डॉट फिट का मतलब है वो लाइन कितनी एक्यूरेट आ रही है हमारी प्रेडिक्शन जो हो रही है? जी, ये वाला फंक्शन यस सर, यस सर। जी, ये असल में ये हमारे पास जो फंक्शन ट्रेन द मॉडल, ठीक है, ये मॉडल डॉट फिट का ये बता रहा है कि जो हमारे पास ये लाइन है एक्स एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है, ये असल में उसका हमें ये ड्रा करके दे रहा है। ठीक है, ये कितना फिट है मतलब, ठीक है, ये उसको जिस तरह हमने क्या किया कि हमने पहले शुरू शुरू में हम क्या करेंगे कि जब भी हम किसी भी मॉडल से काम करेंगे तो उस पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। जिस तरह किसी ने पूछा था बीच में के सर ये मीन स्क्वायर वैल्यू कहाँ से आ गया, तो मीन स्क्वायर एरर ये वहां से आएगा जो हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो भी हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे उसके बाय डिफॉल्ट
आपके ये फंक्शंस वो हो जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ ये आपके मतलब ये प्री प्रोसेस होगा, ये नहीं होगा कि आपका मीन स्क्वायर वैल्यू ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए, क्योंकि ये आपका जो मशीन लर्निंग है ये आपका स्टेप बाय स्टेप चलती है। पहले आप क्या करेंगे कि बिल्कुल आपके पास कोई डेटा आ गया, ठीक है। मशीन लर्निंग ऐसे नहीं है कि आप रेंडमली इसको कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं। मशीन लर्निंग में ये होता है कि आपने डेटा सेट उठाया, ठीक है। डेटा सेट अगर आपने केगल से उठाया या कहीं से भी उठाया, तो पहले आप डेटा सेट को डिफाइन करेंगे, फिर उस पे आप प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको ट्रेन और टेस्ट करेंगे जिस तरह इधर ये कोड में किया गया है, ठीक है। पहले हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद जो डेटा है उसको हम डेमोस्ट्रेट करेंगे, उसके बाद हमने ट्रेन और टेस्ट किया, उसके बाद हमने लिनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई किया, जो हमारा मॉडल था जिस पे आज हमने ये काम किया, ठीक है। उसके बाद उसने इसको मॉडल को ट्रेन किया, फिर उस पे इसने प्रेडिक्शन ली, फिर उसको इसने क्या किया पूरा ये हमें प्लॉट करके दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा एक स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। पहले डेटा को गैदर करना, फिर उसको प्री प्रोसेस करना, फिर उसको ट्रेन और टेस्ट करना, फिर उस पे वो अल्गोरिदम अप्लाई करना, फिर उसको प्लॉट करना। तो ये एक हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। ठीक है, तो किसी और का कोई क्वेश्चन हो? सर अब तो टाइम भी हो गया है, लेकिन मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे कि आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं ना, ट्रेन एंड टेस्ट, तो एक यूज होता है कि मॉडल को हम कैलिब्रेट और वैलिडेट करते हैं, तो क्या वो स्ट्रीम में आ जाता है? जी मैम, सर दूसरे एक दो जो वर्ड यूज होते हैं जब हम मॉडल को ट्रेन और टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि मॉडल को हम पहले कैलिब्रेट करें फिर वैलिडेट करें ताकि वो अच्छे से काम करे, तो क्या ये इस अपने आ जाता है? जी मैम, ट्रेनिंग हम असल में इसलिए करते हैं कि जो हमारे पास डेटा होता है ना उसको हम ट्रेन और टेस्ट करते हैं। असल में हमारे पास जो ट्रेनिंग जो डेटा को हम ट्रेन करते हैं उसमें उसकी ट्रेनिंग मतलब उसको एफिशिएंट बनाते हैं, और ट्रेनिंग में जो हमारे पास है मशीन लर्निंग में जो डेटा होता है उसमें उसका डेटा का जो 80% होता है वो ट्रेन को हम देते हैं, और उसके बाद जो वाई ट्रेन होता है जो जिसको हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट में हमारे पास थोड़ा डेटा होता है और जो ट्रेन ट्रेन होता है, क्योंकि हम इस डेटा को ट्रेन कर रहे हैं, हम किसी अल्गोरिदम पे हम ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आप इसको ये भी कर सकते हैं जिस तरह आप कह रही हैं कि हम ये एवोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये पूरे इसकी मॉडल्स की ये वो होती है टर्मिनोलॉजी होती है, ट्रेन टेस्ट एवोल्यूएट, ठीक है। ओके सर आई गॉट इट। एक्चुअली मैं ये किसी और लैंग्वेज में कैलिब्रेट और वैल्यूएट है ना, तो मेरा ये क्वेश्चन था। थैंक यू सर। अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है। बाकी ये है कि कल हम इंशाल्लाह इसके कॉम्प्लेक्स डेटा सेट पे हम काम करेंगे, केगल वगैरह से सीएसवी फाइल्स वगैरह मैं आपको इंशाल्लाह इंपोर्ट करना सिखाऊंगा, और डेटा क्लीनिंग वगैरह, तो इंशाल्लाह कल उस पे काम करेंगे। अल्लाह थैंक यू सर, आपने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन कर दिया। तो अच्छा कल भाई, सर। ये जिनका नाम टेस्ला है ना, तो प्लीज अपना प्रॉपर नाम यूज किया करें और अपना पूरा नाम यूज किया करें, क्योंकि राइट नाउ वी हैव 22,000 स्टूडेंट्स, तो हर नाम के 15-20 लोग आराम से मिल जाते हैं। जी सही है, मैंने वही बात उनको बताई कि मैं बाय डिफॉल्ट लिखा गया क्योंकि मैं जीमेल पे यही नाम यूज कर रहा होता हूँ, तो उस वजह से आ गया। नेक्स्ट टाइम मैं फुल नेम से जबरदस्त, हाँ आऊंगा बिल्कुल, और हारिस नाम है मेरा, वरना हो। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो अच्छा जिस अच्छा मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आदिल आप जवाब ना दीजिएगा, कि जी सर, मशीन लर्निंग को क्या आप जवाब ना दीजिएगा, कि मशीन लर्निंग को जो हम डाटा देते हैं मॉडल ट्रेन करने के लिए, क्या वो जी हम सर, किसी ऑर्डर में देते हैं या किसी भी ऑर्डर में दें तो मॉडल ट्रेन हो जाता है? सर ये असल में हमारे पास इसकी पूरी टेक्निक्स होती है कि यार पहले मैंने हम, कहा कि आपने, आप नहीं बोलना, मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है,
सर आई थिंक जो मॉडल को हम एक्चुअली में ट्रेन कर रहे होते हैं ना, तो वो उसको एक ऑर्डर देना होता है कि पहले हम चेक कर। अच्छा, मैंने ऑर्डर में मसला, मैंने मॉडल ट्रेन करना है कि कैट डिटेक्ट करो, इमेजेस में बताओ किसमें कैट है किसमें नहीं है, तो क्या वो जो कैट के मेरे पास 10,000 इमेजेस हैं वो किसी में ऑर्डर में दूंगा मॉडल को, या वो रैंडमली किसी भी ऑर्डर में दे दें तो मॉडल ट्रेन हो जाता है? क्या मॉडल की ट्रेनिंग पे फर्क पड़ता है अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो डेटा का? सर मेरे ख्याल से पढ़ते हैं क्योंकि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा होता है और रिलेशनशिप होता है प्रॉपर, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रॉपर एक रिलेशनशिप के थ्रू एक हम पहले मैथमेटिकल मॉडल डिज़ाइन करते हैं, तो उस हिसाब से एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, तो प्रॉपर हमें उसमें एक ऑर्डर में देना पड़ेगा सर जो भी डेटा है हमारा मेरे ख्याल में। लेकिन जो नॉर्मली डेटाबेसेस पड़े हुए हैं उनमें तो कोई ऑर्डर नहीं होता, वो तो लाखों इमेजेस होते हैं, तो ये ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे? अगर ऑर्डर होता है तो मेरे ख्याल में ऑर्डर नहीं होता, क्यों? आधे लाखों का ख्याल है, जब हम ट्रेन करते हैं तो डज ऑर्डर मैटर और नॉट? जी सर, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी सर, असल में हमारे पास जो इमेजेस होती हैं, अगर हम इमेज प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के जो हमारे पास मॉडल्स होते हैं, तो उसमें हमारे पास पहले हम जो डेटा होता है इमेजेस के फॉर्म में, जिस तरह आप केट का कह रहे हैं या डॉग का कह रहे हैं या किसी का भी, तो वो उसमें डेटा की हम पहले लेबलिंग करते हैं सर। अगर डेटा के लेबलिंग का कोई हमारे पास डेटा, टेन बिल्कुल। टोटल इमेजेस हैं। देखो, मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, जी सर, क्या आपने डाटा की लेबलिंग कर ली? सब कुछ हो गया। अगर 10,000 इमेजेस हैं, जी अगर मैं सर, उन इमेजेस को ऑर्डर चेंज करूं तो क्या मॉडल भी चेंज हो जाएगा या मॉडल सेम बनता है? मॉडल में तो चेंजिंग नहीं आएगी उसकी, मतलब जो, एग्जैक्टली, बिल्कुल। जी मॉडल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि मॉडल तो बाय अगर डिफॉल्ट उसी बिल्कुल पे, अगर उसी डेटा डेटा पे बना हुआ है एक ना। है, बिल्कुल डाटा जी किसी सर, भी ऑर्डर में वो डाटा होता है, मॉडल बिल्कुल, चेंज नहीं होता उसके एग्जैक्टली, लिए। exactly. बिल्कुल सर, अभी जिस तरह मैं इन सबको, पार्टिसिपेंट को अभी आज इस क्लास में ये बता रहा था कि अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर हम इस फंक्शन की एनपी डॉट रेंडम डॉट सीट की ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, ये 42 है, अगर हम इसकी 45 करते हैं तो ये क्या मतलब मॉडल पे मतलब असर नहीं पड़ेगा, इसकी डेटा पे असर पड़ेगा? ठीक है, मॉडल तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट उन्होंने बनाया हुआ है, अगर ये 42 पे बिल्कुल ये बिल्कुल लिनियर आ रहा है, ठीक है, तो 45 पे ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मतलब चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बिल्कुल होगा, डेटा पे असर पड़ेगा, मॉडल पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। अगर बिल्कुल आपको हम ये करके दिखाएं तो ये क्या सही। होगा, ये इसने डेटा पे इसको मतलब चेंज किया, मॉडल तो मॉडल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपके डेटा पे असर पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर, इसी तरह मैंने ये बात इसलिए की है कि जी जी सर, ये जो मशीन लर्निंग मॉडल है, ये बिल्कुल, इनके न्यूरॉन्स बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम करता है। एग्जैक्टली सर, तो बिल्कुल इसी वैसे तरह ही। ह्यूमन ब्रेन को भी लर्निंग के लिए किसी खास ऑर्डर में चीजें नहीं चाहिए होती। बिल्कुल सर, ये जो यूनिवर्सिटीज में आ गया ना, पहले ये वाला प्री रेक्विजिट कर लें, फिर ये वाला प्री रेक्विजिट कर लें, फिर उसके बाद पढ़ें, फिर उसके बाद एडवांस सब्जेक्ट में जाएंगे, तो ह्यूमन ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पकड़ के समझ लेता है और डॉट्स बाद में भी कनेक्ट कर लेता है। बिल्कुल तो जब हाई कोड गुरु पे लोग आके ये कहते हैं ना कि पहले हमें बेसिक पाइथन पढ़ाओ, फिर हमें फलां पढ़ाना, फिर हमें फलां पढ़ाना, तो जी उस चीज की जरूरत नहीं होती। वी शुड सर, नॉट वेट इन सिंगल डे टू लर्न प्रोग्रामिंग। जिस बिल्कुल दिन सर, आपका मोड बन गया उस दिन से शुरू हो जाए। सही सर, ऐसे ही है, बिल्कुल सर, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मॉडल पे तो डेफिनेटली असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट पे पड़ेगा ना, तो इसलिए क्यों ऑर्डर पड़ेगा, फॉलो क्यों करना क्यों क्या पड़ेगा? कहते हैं, क्योंकि अभी ये देखें ये रिजल्ट पे असर नहीं पड़ा ये ग्राफ में सर, ये मीन्स डेट मैं होगा। सिर्फ डाटा की बात कर रहा हूँ, अगर डाटा सेम रहे ना तो असर नहीं पड़ता, डाटा चेंज हो जाए तो असर पड़ेगा।
बिल्कुल सर, ऐसे ही। ये मसलन आप कुछ डाटा जो है वो टेस्ट से लेकर वैलिडेशन में लेते हैं तो आपने डाटा चेंज कर दिया, फिर फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर इमेजेस वही है, चीजें वही है, फिर फर्क नहीं पड़ता भाई। ये बिल्कुल सर ट्राई कीजिएगा, जी सर, ठीक है। मीन्स इंशाल्लाह। इन ऑर्डर, अगर विदाउट ऑर्डर भी हम डेटा दें तो रिजल्ट वो सेम ही आएगा, अगर बिल्कुल मॉडल सेम सेम आएगा, है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो जो इस मर्जी ऑर्डर में डाटा दें, मॉडल एग्जैक्टली सेम आउटपुट पे ट्रेन होना चाहिए। सही है काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन, ठीक है सर। भैया, और ह्यूमन को भी इसी तरह मॉडल ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। हाँ, जिस तरह आपने अगर रैंडम वेरिएबल से इनिशियलाइज करवाना और वो रैंडम वेरिएबल आपने डिफरेंट लिया तो ऑब्वियसली आप चीज चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सर, बात बिल्कुल। करूंगा, अगर चीज एक रहेगी तो फिर चीजें चेंज नहीं होती। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। आगे क्या कहते हैं कि आपके इस फॉर्म जजाकल्लाह पे बहुत एहसान है, आपने बहुत पढ़ाया है। सर। नहीं नहीं सर, कोई मसला नहीं है, ये मेरा फर्ज है सर। मैं अभी इन पार्टिसिपेंट को यही कह रहा था कि इंशाल्लाह ताला अभी ये बेसिक चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह ताला इसको बहुत अच्छा, मैं मनम और मैं और सर जुबैर जो भी हैं, हम इनको इंशाल्लाह ताला पूरा एंड तक ले जाएंगे। अभी मैं खुद भी इस मशीन लर्निंग पे ही चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला हम पहले बेसिक करके हम पूरी एडवांस चीज़ों पे जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, जबरदस्त इंशाल्लाह सर, जजाकल्लाह जबरदस्त सर। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अगर किसी और क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ कैरियर के बारे में, कोड गुरु के बारे में, या किसी और चीज के बारे में। सर एक जनरल क्वेश्चन करना था, अगर मतलब कोडिंग से रिलेटेड नहीं है। समय आया जी पूछिए। सर? जी पूछिए। सर एक्चुअली मेरी ना रिसेंटली मतलब कि ग्रेजुएशन हुई है, तो जो है हम ना जब कहीं पे अप्लाई कर रहे होते हैं फॉरेन में तो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, तो मेरे पास जो है ना ग्रेजुएशन के अलावा मतलब कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ थोड़ा सा बहुत मैंने रिसर्च पे काम किया है और मेरा हो भी रहा है, आपकी आपकी डिग्री कौन और सी है? एनवायरनमेंट नेचर साइंस की, एनवायरनमेंट साइंस। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक तो है। मैं बिल्कुल न्यू हूँ कोडिंग में भी, तो जो मेरी मतलब ये है कि मेरा थोड़ा ग्रिप होना चाहिए, जैसे कि रिसर्च में जाना है तो डेटा एनालिसिस में और इस कोडिंग में, तो मैं मतलब उसको कैसे ग्रो करूँ, मतलब कि उन रिक्वायरमेंट्स को के फिलफिल हो जाए जल्द अज जल्द। आप पढ़ाना शुरू कर दें, आप ठीक हो जाएंगे। जी सर, आप टीचिंग शुरू कर दें यहाँ पे, ये चीज़ें जो आपने सीखी थी ना उन्हें पढ़ाना शुरू कर दें, आपको बिल्कुल ठीक आ जाएंगी, इसके अलावा आपको नहीं आएंगी। यस सर, लेकिन सर मेरा तो बिल्कुल मतलब कि फर्स्ट टाइम है ना। आपने जब चलना सीखा था तो आपने कैसे चलना सीखा था? उसे गौर करें तो क्या आपने खड़ा होने से इनकार कर दिया था कि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने खड़ा ही नहीं होना? स्टेप या आपने कोशिश शुरू कर दी थी और गिरती पड़ती ही आपने चलने की कोशिश शुरू कर दी थी और आस्ता आस्ता आप परफेक्ट हो गई, क्या किया था? सर, जैसे कि नेचुरल प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप इंसान चलता है, गिरता है फिर उठता है फिर चलता है। हाँ, नेचुरल प्रोसेस ये होता है कि यू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। जी सर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ मैम को, कि जिस तरह मैम ने कहा कि मेरा ये एक मतलब एक किन चीज़ों से स्टार्ट करूँ, और ये मैम मैं आपको यही सजेशन दूंगा, एक तो आप पढ़ाना स्टार्ट करें, ऐसे आपकी बहुत अच्छी लर्निंग होगी, और उसके साथ आप हैकाथॉन्स में आप पार्टिसिपेट करें। जितना आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करेंगी आपकी इतनी लर्निंग होगी हो जाएगी, इंशाल्लाह आप खुद अपने आप में काफ़ी फर्क महसूस होगा इंशाल्लाह। और तो जो मैम भी देखो, जी इसके अलावा सीखने का और कोई तरीका नहीं है,
यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है, आपको किसी ने अब स्पून फीड नहीं करना। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो वो फर्स्ट टाइम आपको कभी खत्म नहीं होगा। जी सर बिल्कुल सही है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि जब मैंने कहा कि पढ़ाना शुरू करें, तो आप कहेंगे सर बताएं किस दिन क्लास अवेलेबल है, मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये पॉजिटिव प्रोफेशनल की निशानी होती है, हु इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, हु इज लुकिंग फॉर सक्सेस इन लाइफ। जो नेगेटिव लोग हैं वो कहते हैं देखे ना जी, मैं तो अभी नया नया आया हूँ, पहले मुझे स्पून फीड करो। तो नो बडी हैज टाइम फॉर दैट, इट इज नॉट यूनिवर्सिटी, प्रैक्टिकल लाइफ इज नॉट यूनिवर्सिटी। आप कैरियर में किसी बंदे को, जब कैरियर में लोगों को चीज का पता भी नहीं होता, वो तब भी कह रहे होते हैं यस आई विल डू इट, आई विल डू इट। जब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फिर वो सोचते हैं करना कैसे है। तो जो बंदा इस चक्कर में रहता है ना, मैं पहले सीखूंगा फिर करूंगा, उसे कोई बंदा चांस नहीं देता लाइफ में। कंपिटिशन में से चांस कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। जी सर और प्लस जब आपने सीखना है तो फिर ईगो साइड पे रख के सीखें, फिर कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती, फिर आप स्टूडेंट होते हैं जस्ट। तो कैरियर में, लाइफ में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना सीखें, छीनना सीखें, अगर आपने आगे जाना है, वरना आपको चांस नहीं मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है। तो यस सर नॉर्मली आई कोड गुरु पे जो लोग आते हैं, वो 2 हफ्ते में, जो सीरियस लोग होते हैं, वो ऑन एवरेज 2 वीक के बाद क्लास में प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और वो 3 4 महीने बाद अच्छे खासे हो गए होते हैं, उन्हें सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। यस कोई भी सर टॉपिक, कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए 2 3 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। यूट्यूब पे सब इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है सीखने के लिए। तो इफ यू आर सीरियस, तो यू शुड नेवर बी वरीड के पे मेरा भी, मुझे आता नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास अभी क्या कहते हैं, एक दिन पड़ा हुआ है, अगर लेकर भी लेक्चर, तो मेरे पास 1 दिन और मैंने इसमें तैयार कर लेना। और उसमें आप तैयारी के लिए आप पूछें तो मेरी हेल्प कर दें कि कहाँ से मुझे तैयार करना चाहिए, मैंने क्या करना है। और फिर जिस जैसा भी तैयार होता क्लास में बोल दें, अदर्स विल हेल्प यू, दैट इज द ओनली वे टू सक्सेस। यस सर एक्चुअली मैं मेरा कोडिंग में तो इतना जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने पाइथन की जिस बेसिक बिगनिंग लेवल ली हुई है तो जिंदगी में कभी किसी को नहीं कहना कि आपको चीज नहीं आती। सर मैं ये भी वाली कहती रहती हूँ मतलब ये दिस से आपको कोई बंदा चांस नहीं देगा, इंक्लूडिंग मी। ठीक है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एटीट्यूड, प्रोफेशनल लाइफ में आपको चांस नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी जी सर, मैं अभी आयल्स की भी तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ, तो घर पे मतलब ये मेरा फुल टाइम ही बस आयल्स ही है, मतलब जो है ना अभी जॉब वगैरह एक मिली थी तो बस उसको मैंने अभी लीव कर दिया है। फुल टाइम बस मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ आयल्स पे, और ये कोर्स इधर पढ़ा रहा हूँ। तो सर मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी मैंने आयल्स मतलब वो कर रहा हूँ, तो सर मैं जो प्रोफेसर्स हैं उनसे मैं अगर वॉलेंटियरली मतलब उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करूं, उनसे मतलब डिस्कस करूं कि सर मैं आपसे वॉलेंटियरली आपके प्रोजेक्ट्स, जो भी आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से आपके साथ मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो ये भी सही रहेगा सर? आपको पता है यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन ऑलरेडी गुजर रही है, जी सर बिल्कुल आप बिल्कुल 6 महीने लेट हैं, आपको ये इस बात का पता? हाँ ये तो बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो आप इतने ज्यादा काम क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि अगर आपका आयल्स में 1 बैंड कम आ जाता है तो प्रोफेसर के साथ काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। जी सर ऐसे ही बिल्कुल सर, अभी मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी जो की है वो बस हाँ, तो मैंने इसलिए यही आयल्स ले ली करें, सर हाँ बस। आयल्स करें, प्रोफेसर के साथ काम करने का कोई फायदा नहीं होता, अच्छा सर ठीक है। अच्छा कोई कोई एडवांटेज नहीं है उसका, उससे ज्यादा बेहतर है लीड कोड कर ले। सर ठीक है। लीड कोड ज्यादा बेहतर आना चाहिए, बेसिक ए आई डाटा एनालिसिस ज्यादा आना चाहिए,
इस ये खास डोमेन में रिसर्च नहीं आनी चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक सर। सही है। चलें जनाब, किसी ठीक और है सर। क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ जर्मनी से, और मेरी जो फील्ड है वो है मैकेनिकल, और मैं अभी स्विच कर रहा हूँ मशीन लर्निंग की तरफ। और सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करूँ, तो क्या आईक्यू गुरु फिर प्रोजेक्ट्स भी देता है ऐसे रियल वर्ल्ड जिस पे हम सिस्टम्स के थ्रू काम कर सकें? हम हर महीने एक हैकाथॉन में जाते हैं, हैकाथॉन में जाएं और प्रोजेक्ट्स पे काम करें। इंटरनेशनल टीम होती है वो। हैकाथॉन की कोई मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे हाँ तो में। वो आप स्लैक पे जाके पूछ रहे हो, पता चल जाएगा। ठीक है अगर सर। आप कोई भी फोरम पे मैसेजेस पढ़ते हैं, तो भी मैंने कल मैसेज लगाया है कि हम हैकाथॉन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं जो कि January 10 से स्टार्ट हो रही है। आप जाके सही मैसेज है। मेरा देखें, तो उसके रोज रात 9 बजे तैयारी होती है। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग के मैंने लिंक दे दी है, तो वो रिकॉर्डिंग के लिंक देखें। तीसरी हो जाए और हैकाथॉन में जाके, हर महीने एक हैकाथॉन में जाया करें। ओके ठीक सर, है, तो थैंक यू। साल में 12 प्रोजेक्ट आपके होने चाहिए। जो बंदा नहीं जाता वो बिलो एवरेज होता है। और सर ठीक ये है, प्रोजेक्ट्स जो है वो किस रिलेटेड होते हैं? लाइक मशीन लर्निंग के भी होंगे, इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, या जस्ट कोई स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होता है? ये जाके वहां देखें चीजें। हम ओके पूरे सर। एक हफ्ते की ट्रेनिंग करवा रहे हैं हैकाथॉन की, उस क्लास में जाके पूछें। जी सर अली, आप इंशाल्लाह आज रात 9 बजे आप आज वाले सेशन में आप ऑनलाइन आइएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपके सारे जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएंगे सही है, तो इंशाल्लाह। एक प्रॉपर हमारा ट्रैक है जिसमें हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप AI को यूज करना चाह रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डोमेन में, इज दैट करेक्ट? सर समहाउ करेक्ट है, लेकिन ज़्यादातर यही चांसेस है कि मैं टोटली स्विच करना चाहता हूँ और बिल्कुल मेडिकल फील्ड में आप जाऊँ, यानी कि मेडिकल आपने फील्ड। जो जिस जिस चीज में आपने 18 साल लगाए हैं, आप उसे छोड़ के एक चीज में 6 महीने लगाएंगे या 1 साल लगाएंगे और उसकी बेस पे जॉब करना चाहेंगे? आप ये यस सर, करना यस चाह रहे हैं सर। तो फिर याद रखिएगा, जिस बंदे ने 4 साल की अंडरग्रेड मशीन लर्निंग में की है, 2 साल का मास्टर अंडरग्रेड में किया है, और आगे 5 साल की PhD भी मशीन लर्निंग में की है, जो जिसका 12 साल का एक्सपीरियंस है, आप उसका कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए जो डोमेन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कभी ना छोड़िएगा, ये मेरे पास याद रखना। डोमेन आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगी, बिकॉज यू आर ट्रेंड इन अंडरग्रेड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। और ये मशीन लर्निंग का जो पीक है वो गुजर चुकी है, अब सिर्फ इसकी सस्ती किस्म की जॉब्स आएंगी, तो इसमें डोमेन स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। डोमेन स्पेसिफिक के अगर आप नहीं है तो जिंदगी बड़ी मुश्किल है, तो ये गलती ना कीजिएगा। और अगर आप मशीन लर्निंग में इसलिए आ रहे हैं कि आपको मैकेनिकल नहीं आता, तो अगर आपको मैकेनिकल नहीं आता तो मशीन लर्निंग भी नहीं आएगी। सही है। सर मैकेनिकल का है, लेकिन इंटरेस्ट मेरा इस तरह था कि मेडिकल फील्ड में स्विच करना था, मीन्स मेडिकल टेक्नोलॉजी में थोड़ा काम करना था मशीन लर्निंग के थ्रू, तो समहाउ लिंक बन गई। ये जो देखें, लाइफ एक बड़ी सीरियस चीज है। ठीक है, लाइफ में हम काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, इसलिए काम नहीं करते कि हमारा उस चीज में इंटरेस्ट होता है। ये चीज आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। आज से 15-20 साल पहले कोई मशीन लर्निंग को पूछता भी नहीं था, लोग इसे कहते थे स्टैटिस्टिक्स, और इसे कोई इज्जत नहीं थी। आज इसमें पैसा आ गया, आज इसमें काम आ गया, पैसे मिलना शुरू हो गए, तो इज्जत बन गई। 10 साल बाद ये इज्जत दोबारा खत्म हो जाएगी। तो उस डोमेन में जाएं जिसमें जॉब्स हैं।
ठीक है, वरना जिस तरह शायर भूखे मरते हैं, अदीब भूखे मरते हैं, अगर आप किसी ऐसी डोमेन में चल गए जिसमें जॉब्स नहीं है तो लाइफ विल बी वेरी टफ, अनलेस कि आपके पास इनहेरिटेंस में इतना पैसा का वो जरूरत नहीं, पैसा कमाने की। ओके सर, ठीक है, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। सही है, अभी आपको अगले 10 साल में बेशुमार पीएचडी दुकानों पे, किराना स्टोर पे बैठे हुए मिलेंगे, और ये होना शुरू हो गया है। तो ट्राई टू बी वन ऑफ दोज हु आर एम्प्लॉयबल, जो उन डोमेन में जाते हैं जिनमें जॉब होती है। जैसा मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटर का हूँ ही, तो मुझे जो भी काम आता है पहले मैं वो सीखता हूँ, फिर मैं कर लेता हूँ। तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहता मुझे ये चीज़ नहीं आती, मैं काम पकड़ लेता हूँ कि मैं कर लूंगा, और उसके बाद मैं उसे सीख के करता हूँ। तो मैम राबिया, ये आपके लिए सबक है, अगर मैं किसी को ये कहूँ ना कि भाई मुझे नौकरी दे दें लेकिन मुझे ना काम नहीं आता, भाई मुझे नौकरी क्यों देंगे, वो तो फिर किसी ऐसे बंदे को देंगे जिसे काम आता। जी सर, तो मैं अभी से याद रखूंगी हमेशा। हाँ बिल्कुल, तो नेवर टेल एनीबॉडी का कोई चीज नहीं आती, स्पेशली जब कोई बंदा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इट इज ओके टू फेल, बट इट इज नॉट ओके कि आप पहले कह देंगे मुझे नहीं आती, फिर वो बंदा आपको वो चीज नहीं देगा, वो अपॉर्चुनिटी वो आपको नहीं देगा, किसी और को दे देगा। यस सर, सर ऑफलाइन हो गए, चले ठीक है, पार्टिसिपेट इंशाल्लाह, कल हम मैसेज को आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।